कभी कभी गलत तरीके से भी लोग पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं। गलत तरीके से कमाया हुआ धन आपके घर को बर्बाद करता है, जैसे जुआ का धन घर को बर्बाद करता है, शराब बेच करके कमाया गया धन घर को बर्बाद करता है। पहली बात तो गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश ना करें। मेहनत से जो धन कमाते हैं उस धन से घर में प्रसन्नता आती है, शांति आती है, लेकिन घर में बरकत कैसे हो? कई लोग पूछते हैं पैसा तो कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं होती। अगर आपने ये नियम अपना लिया, अगर आप ये काम करते हैं, अगर आप ये कार्य करते हैं तो घर में कभी संकट नहीं आएगी, दरिद्रता नहीं आएगी। जो भी काम करोगे वो सिद्ध हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। एक नियम जीवन में अपना लीजिए। कौन सा नियम? जो आनंद करने वाला है। भोग लगाना प्रारंभ करिएगा। आप घर में जो भी भोजन बनाते हैं उसका भोग भगवान को अवश्य लगाइएगा। जिस घर में भगवान को मीठा का भोग लगाते हैं उस घर में सदैव मिठास बना रहेगा, घर में रहने वाले लोगों के बाड़ी में मिठास बना रहेगा। इसलिए मीठे का भोग अवश्य लगाएं, मीठा का प्रसाद भगवान को अवश्य अर्पण करिएगा। दूध में आप जिस दिन मीठा घर में नहीं है तो दूध में मधु डाल के, शक्कर डाल के अगर आप भगवान को भोग लगाते हैं, दूध में मधु डाल के, शहद डाल करके भगवान को दूध पिलाते हैं तो ऐसे घर में वंश वृद्धि कभी ख़त्म नहीं होगा, वंश वृद्धि बढ़ता ही रहता है, सुख आनंद होता रहता है। इसलिए दूध का भोग जरूर लगाएं। और कहते हैं कि जिस घर में भगवान को लड्डू का प्रसाद चढ़ाया जाता है उस घर में देवी देवता भी प्रसन्न होकर के निवास करते हैं। बूंदी का लड्डू भगवान को अर्पण करें, बेसन का लड्डू बना करके गणेश जी को चढ़ाएं, ऐसा करने से सुख संपदा घर में आती रहेगी। और कहते हैं कि जिस घर में भगवान को नित्य जो भोजन बनाया जाता है उसको भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद अर्पण करते हैं, ऐसे घर में झगड़े नहीं होते, कलह नहीं होते। इसलिए भोजन का भोग अवश्य लगाएं। और जो व्यक्ति, जो मनुष्य सुंदर संतति चाहते हैं, हमारे घर में जो बच्चे हो सुंदर हो, सबका सम्मान करने वाला हो, अगर आप सुंदर संतति चाहते हैं तो पायस का भोग अवश्य लगाएं, पायस का प्रसाद अवश्य अर्पण करिएगा। और फिर कहते हैं कि जिसके घर में वंश वृद्धि रुक गया, जिस नारी के यहाँ गर्भ नहीं ठहरता है, वो लड्डू का भोग भगवान को लगाएं तो गर्भ में बालक कभी मरता नहीं। कौन सा लड्डू? सौंठ का लड्डू का प्रसाद भगवान को अगर चढ़ाएं, भगवान को खिला दें तो उस नारी के गर्भ में बालक कभी ख़त्म नहीं होता, कभी नहीं मरता। तो ये कार्य अवश्य करिएगा। और हर कामना को पूर्ण करने वाला ये नियम है, आपके मन में कोई भी कामना है तो भगवान को प्रेम से भोग लगाएं। लेकिन भोग लगाने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, आप शरीर से भी पवित्र हो, आप प्रसन्न होकर के भोग लगाएं, प्रेम से भगवान का सेवा करें। जिसके घर में ये नियम सदैव पालन किया जाता है उस घर में हर प्रकार के सुख संपदा बनी रहती है। प्यार से बोल दीजिए।